हेलो गाइस, तो लेग का हैवी वर्कआउट करके मैं घर पहुंच चुका हूं। और घर पहुंच के मैंने लिया एक स्कूप आइसोलेट प्रोटीन और मसल टेक का क्रिएटिन मैं यूज़ कर रहा हूं। तो ये मैंने 5 ग्राम लिया है, इसकी एक सर्विंग 3 ग्राम की, तो मैंने 2 सर्विंग ले ली है इसकी। और ये 133 सर्विंग की है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। आपको भी अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए साइज़ में और एनर्जी अच्छी चाहिए तो ये यूज़ करो। और गाइज, लेग्स का वर्कआउट डाला है मैंने, स्क्वाट्स के बारे में बताया, ज़रूर देखो। चलो, ओवरऑल लेग डेवलप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज क्या है? स्क्वाट्स। स्क्वाट्स हम कैसे लगा रहे हैं बता रहा हूँ। स्क्वाट्स के वेट हम तब तक बढ़ा रहे हैं जब तक हम अपने 4 रैप 5 रैप 3 रैप तक ना आ जाए। तो हमने कोई आज सेट डिसाइड नहीं किया, वेट डिसाइड नहीं किया कि इतने सेट मारेंगे, इतना वेट मारेंगे। हमने 90 kg से स्टार्ट किया था, 150 तक पहुँचे। अगर इसके 8 रैप निकल गए फिर वेट इंक्रीज करके फिर अगला सेट मारूंगा। बाकी सारे एक्सरसाइजेज लेग के काम में आते हैं, करने भी चाहिए, बट सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए स्क्वाट्स है। तो स्क्वाट्स पे ध्यान दो, लेग प्रेसेस या लेग एक्सटेंशन लगा के शो ऑफ मत करो। तो भाई, जब हम स्क्वाट्स मार रहे हैं, मैंने बताया फेलियर रैप तक जा रहे हैं, फेलियर सेट तक जा रहे हैं। ना तो हमने सेट डिसाइड किया, ना तो वेट डिसाइड किया, ना तो रैप डिसाइड किया। हम लगातार वेट इंक्रीज कर रहे हैं तब तक जब तक कि हमारा रैप 3-4 रैप तक फेलियर ना हो जाए। इतना आ जाए कि 3-4 रैप तक आप फील करो कि आप फिनिश हो चुके हो, है ना। इसी को प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। ये नहीं कि हमने 70 किलो लगाया तो हम 110 लगाएंगे, फिर हमने 4 सेट्स कर लिए, आप उतने में फेल नहीं हो पाए। तब तक आप करो जब तक आप फील कर रहे हो कि आप फिनिश हो चुके हो।